गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। कल हम वीडियो किसी कारणवश नहीं बना पाए, तो आज हम आपके लिए जो एक्सरसाइज 5.3 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था, जैसे कि 12 नंबर तो खो गया था, 13, 14 और 15, तो हम इस वीडियो में 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। y बराबर cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन। कल हम आपको बताए थे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये cos इनवर्स हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर थीटा। मतलब हमें इसके जगह पर ये जो वाला जो एरिया है इसे cos के रूप में बदलना होगा। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा के रूप में हम अगर इसको बदल देते हैं तब इसको हम cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर थीटा कर सकते हैं। तो आगे बनाते हैं। यहां पे इस x के जगह पर कोई ऐसा मान रखना है, माना कि x के जगह पर कोई ऐसा मान रखना है कि ये वाला जो एरिया है वो बदल के आपके cos के रूप में आ जाए। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि x बराबर tan थीटा। तो या आप कहेंगे कि सर थीटा बराबर तो हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए तो y बराबर cos इनवर्स 2 यहां पे tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, x को tan थीटा के साथ रिप्लेस कर दिया। यहां पे फिर लिखेंगे b नोड है। आप याद करिए, इसमें इसी एक्सरसाइज में हमने एक प्रश्न बनाया था जिसमें ये वाले सूत्र का हम लोग यूज किए थे, वहां पे क्या हुआ था थोड़ा सा याद करिए। तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहां पे जो हुआ था, इसलिए यहां पे लिख देंगे बी नो डैट में कि 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो इसलिए आप कहेंगे कि y बराबर cos इनवर्स इसको आप रिप्लेस कर दीजिए sin 2 थीटा में। लेकिन हमने क्या कहा था शुरू में कि हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, यानी कि cos इनवर्स के साथ अगर cos थीटा होता है तब जाके इसका मान थीटा होगा। ऐसा कोई नहीं है कि cos इनवर्स और sin थीटा का कोई फॉर्मूला होता है। तो हमें इस sin थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा cos थीटा के रूप में। तो यहां पे फिर से कि वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पे इसलिए वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स के जगह पे कॉस इनवर्स होगा और इस साइन 2 थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो चूंकि थीटा का काम यहां 2 थीटा कर रहा है तो इसलिए इस यहां पे थीटा के जगह पे हम लोग 2 थीटा देंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर से यहां पर लिखेंगे कि बी नो डैट, अब क्या जानते हैं हम लोग कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर होता है थीटा। तो इसलिए y बराबर यहां पे cos इनवर्स इंटू cos और थीटा का काम ये पूरा कर रहा है। तो थीटा जो भी होगा यहां पे वो आ जाएगा, यानी कि थीटा का काम यहां पे 2 थीटा कर रहा है। यहां पे थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हुआ है कि यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे भी 2 थीटा होगा, ठीक है। तो cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर थीटा और थीटा का काम ये पूरा कर रहा है, तो इसलिए हम यहां पे ये वाला मान रख दिए। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y इक्वल टू x के सापेक्ष जैसे ही करेंगे तो d बटा में dx d पाई बाई 2 बटा में dx माइनस 2 बाहर कर दीजिए। यहां पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि थीटा बटा में dx बराबर, ये तो अचर संख्या है, अचर कोई भी हो, अचर संख्या d के साथ अगर लगा हुआ है तो कोई भी अचर संख्या जीरो में परिवर्तित हो जाती है। और d थीटा, थीटा की जगह पर यहां पे आपने कहा था कि सर जब आप x बराबर tan थीटा मान रहे हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पे भी थीटा की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x बटा में dx।
और यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट कि डी टैन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई डी एक्स जीरो के साथ किसी संख्या को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस टू और इंटू डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर होता है वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस टू बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे जो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार समझ में ना आए, दो बार समझ में ना आए, तीन बार समझ में ना आए, तो इसको आप बार बार वीडियो को चलाइएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस समझ जाइएगा, और अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से वही बात, यहां पे हमें ऐसा कुछ परिवर्तित कर देना है कि यहां पे साइन थीटा आ जाए, और अगर यहां पे साइन थीटा आ जाता है तो इसको हम साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा में परिवर्तित कर देंगे। तो x के जगह पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। तो या यहां पे आगे लिखना पड़ेगा कि माना कि x बराबर साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कि सर इतना बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। आगे y बराबर साइन इनवर्स 2x के जगह पे हमें रिप्लेस करना है साइन थीटा के रूप में, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, हमने क्या किया है कि x को रिप्लेस कर दिया है साइन थीटा के रूप में। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये वाला आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम साइन को उधर लेके चलते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, तो यहां पे हम कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। वाई बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो संख्या का 2, और रूट का मतलब ये होता है कि दो संख्याओं जब एक रूप में होगा तो दोनों में से कोई एक संख्या स्वतंत्र रूप से बाहर निकलेगी। तो उसी तरीके से यहां से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। यहां पे एक फॉर्मूला रनिंग करेगा कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो इसलिए y बराबर साइन इनवर्स, और यहां को इसको हम रिप्लेस करेंगे साइन 2 थीटा के रूप में, साइन 2 थीटा। फिर यहां पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। तो इसलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, तो यहां पे थीटा निकला था क्योंकि यहां थीटा था, तो यहां से 2 थीटा निकलेगा क्योंकि यहां से 2 थीटा है, तो यहां से 2 थीटा को हम बाहर कर दिए। y बराबर 2 और थीटा के जगह पर देख लीजिए, थीटा के जगह पर यहां पे साइन इनवर्स x है, तो इस अब यहां लिखेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, टू बाहर डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स। यहां पे आप अगर फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कल हमने वीडियो को जब शुरू किया था, इसके पहले वाला जो हम वीडियो बनाए थे, तो उसमें हम पहले शुरू से ही वहां पे पूरा फॉर्मूला लिखे थे और उसमें इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लिए होंगे। और यहां पे इसको देखिए, यहां पे साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स बराबर होता है एक बटा में रूट अंडर वन माइनस
एक्स स्क्वायर, तो इसलिए डी वाई बटा में डी एक्स टू आगे है और इसके जगह पर हो जाएगा वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, या आप कह सकते हैं दो गुने दो बटा में इतना। ये हमारा आंसर है। फिर से आप हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी चीजें कॉपी पे उतार लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 15 नंबर, y बराबर sec इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर से वही बात कि यहां पे हमें sec इनवर्स इंटू sec थीटा का फॉर्मूला का यूज करना है, तो ये फॉर्मूला हमारा साथ तब देगा जब इसके जगह पे हम इसको sec थीटा प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हम यहां पे sec थीटा इसको प्रोवाइड करवा देंगे तो sec इनवर्स इंटू sec थीटा बराबर थीटा होता है। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि यहां पे sec हो जाए, तो यहां पे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर cos 2 थीटा। देखिए ये सब जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें जरूरी है कि आप अपने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को पूरे तरीके से रट लें और फिर जाके इसको बनाएं, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो या सॉरी cos थीटा, या आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर cos इनवर्स x, यहां पे y बराबर sec इनवर्स 1 बटा में 2 और x के जगह पर यहां पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से एक फॉर्मूला है कि we know that, कौन सा फॉर्मूला है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। तो इसलिए y बराबर sec इनवर्स 1 बटा में इसके जगह पर रिप्लेस कर दीजिए इसको cos 2 थीटा यहां पे। तो फिर से बी नो डेट कर दीजिए, बी नो डेट क्या जानते हैं अब हम लोग कि 1 बटा में cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। तो इसलिए y बराबर sec इनवर्स और इसके जगह पर क्या हो जाएगा अब sec, और थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है, तो इसलिए यहां पे इसका मान 2 थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर यहां लिखेंगे कि बी नो डेट। अब क्या हम लोग जानते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं कि sec इनवर्स इंटू sec थीटा बराबर थीटा। तो इसलिए y इक्वल टू sec इनवर्स इंटू sec 2 थीटा बराबर यहां पे 2 थीटा, या आप लिख देंगे थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे cos इनवर्स x। अब यहां पे सिंपल x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से हो जाएगा dy बटा में dx, 2 अचर है बाहर हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x बटा में dx, यानी कि 2 इंटू, और यहां पे एक लाइन और लिख लीजिएगा कि बी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग, तो d cos इनवर्स x बटा में dx बराबर होता है माइनस 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy बटा में dx, 2 आगे है इंटू, इसके जगह पर इसको रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो हो गया माइनस 2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा ये प्रयास है उसे आप लोग इसका फायदा उठा रहे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, और सरकार के सभी निर्देशों का बिल्कुल सही ढंग से, अपने सही नागरिक होने के ढंग से आप पालन कर रहे होंगे। आप सीनियर स्टूडेंट हैं, हम आपको पहले ही बताए हैं कि आप क्लास 12th में हैं, यानी कि आप बिल्कुल सीनियर स्टूडेंट हैं, और सीनियरिटी आपके स्वभाव में दिखना चाहिए, और हम यही उम्मीद करते हैं, हमारा पूरा देश यही आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज आपका एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया, कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे 5.4, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हम उसमें जो सूत्र होगा इस एक्सरसाइज 5.2 में वो सूत्र हम आपको कल वीडियो के पहले ही लिखवा देंगे, चाहे वो बोर्ड पे लिख देंगे, समझा देंगे, उसी तरीके से सभी आपका जो प्रश्न है 5.4 भी बनेगा। तो हम यहां से साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कॉपी पे उतारने में दिक्कत ना हो।